नमस्कार मित्रों मित्रों, आज है 18वां अध्याय कार्तिक मास का। चलिए देरी न करते हुए कार्तिक मास का 18वां अध्याय। अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर ने अपनी वीरोगणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यो पर प्रहार करने लगे। भीषण रुद्रधारी रूप को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध भूमि में अपने दैत्य को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसने सुंब निसुंब आदि वीरों को क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर को सब बाणों जला दिए, काट डाले और निर्भय कर अपने अन्य बाणों को आंधी से दैत्य को पीड़ित कर दिया। खड़गामा को भी नामक दैत्य को भी अपने फरसे से मार डाला। बलाहरी को भी सिर काट डाला। धरासमाई को भी मार डाला। शिवगण चीसी को ने प्रचंड नामक दैत्य को भी मार डाला। किसी भी शिव जी के बैल ने मारा तो किसी ने उनके शिव भगवान ने मारा। उनको देखकर जलंधर अपने सुंब निसुंब आदि देवताओं को भी धिक्कारने लगा और भयभीत हो धैर्य देने लगा। किसी भी प्रकार का वह मस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार न हुआ। दैत्य सेना ने पलायन का शुरू कर दिया। महाक्रोधित जलंधर शिवजी की अपनी ओर ललकारने लगा और साथ ही उसने 70 बाण मारा। शिवजी दगंध कर तथा दिया तथा और वह बहुत ही बाणों का प्रहार कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे तब तक कि उन्होंने जलंधर को धवज क्षेत्र के धनुष की ओर भी काटा। फिर यह 7 बाण मारकर उसने शरीर में आघात पहुंचाया, पर धनुष के कट जाने पर जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए तथा तब उसके समझा कि शिव मुझसे बलवान है। अंत उनसे गर्दंगी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गर्दंगी अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और गर्दंग आदि बाजों के साथ नित्य वह गाना होने लगा। इससे आप अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम में मोहित हो जलंधर जल्द ही नेत्री नेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभा पर बैठ पार्वती के पास जा पहुँचे। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामतुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसने पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने अपने दानव समझा वह अंतर्ध्यान हो गया, उत्तर ही की ओर मानस चला गया। वह पार्वती को देखकर फिर शिवजी की ओर लौटा। पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है माँ। जो आज्ञा को पालन करो, आप आज्ञा दीजिए मैं पालन करता हूँ। जगत माता ने विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रता भ्रष्ट करो, वह दैत्य तब मरेगा। पार्वती की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा का विरोध धैर्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चला गया। तो देखिए कि महीना की औरत की कितनी शक्ति होती है। जलंधर की जो बीवी थी, जो पत्नी थी, उसने पतिव्रता व्रत रखा था, इसलिए उसे कोई भी गण था, विष्णु भगवान, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, कोई भी कार्तिकेय गणेश, कोई भी उसे मार नहीं सक रहा था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी जलंधर की, उसने पतिव्रता व्रत रखा हुआ था। तो व्रत की भी कितनी महत्वता है कि आप कार्तिक मास का व्रत रखिए, इसकी भी कितनी महत्वता होगी कि आप जिसके लिए भी रखेंगे, जिसके लिए भी सोचेंगे, उसका भला ही भला होगा।
इस कार्तिक मास में अगर हम किसी के लिए बुरा भी सोचते हैं ना, उसका भी भला होता है। तो इसलिए किसी का बुरा भी मत सोचिए, और अगर आप बुरा अच्छा भी मत सोचिए, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं कर सकते बुरा भी बिल्कुल भी ना सोचिएगा, कि ऐसे ही आपकी ये अच्छा अच्छा होता रहे आपसे भी, और अच्छी अच्छी बातें आपको आती रहे, और मैं डेली आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ और सत्य मार्ग पर आपको लेके जाता रहूँ। तो आपने एक कहानी सुनी हुई तो मेरी कहानी कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्णा हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु हैं इस कहानी में, और इस बार शंकर जी का रोल है इसमें। तो शंकर जी भगवान त्रिविदेव नाथ त्रिलोकी नाथ हैं, वो नाथों के नाथ हैं, सबसे बड़े नाथ हैं। तो उन्होंने भी इसमें ये सबसे बड़ा अहम निभाया है रोल निभाया इसमें, कि हमें उन्हीं से ज्ञान मिला, हम उन्हीं के अंश हैं, तो इसलिए हमें किसी की घृणा या किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब हम एक ही हैं। जात पात तो हमने आंखों के नीचे बनाई, हमारे बड़ों ने बनाई, लेकिन ऊपर वाले ने तो हमें ऊपर से एक ही भेजा है, हमें खुद नहीं पता हम करने क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं। करने हमें ऊपर वाले ने भेजा है कि हम भक्ति करें, सबका भला करें, और हम क्या कर रहे हैं, माया इकट्ठी कर रहे हैं। तो ऐसा ना कीजिएगा, बस उतना कीजिएगा जितना कि आप खा सकें, आराम से रह सकें, फालतू किसी का दिल मत दुखा के कुछ मत कमाइएगा, और अच्छे से रहिएगा, और किसी सबके लिए अच्छा अच्छा कीजिएगा। तो हरे कृष्णा, कहानी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हरे कृष्णा।